Hello students, today I am going to teach you English subject and unit number 1 exploring symbols. जो निशानी है तलाश की है वो उसमें बताया है. यहाँ एक्टिविटी 1 इज यहाँ एक्टिविटी 1 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन. के सामने जो बॉक्स प्रोवाइड किया गया है उनमें उसके ऑप्शन लिखने हैं, लेटर लिखने हैं, इंडेक्स लेटर बॉक्स में लिखने हैं. नंबर 1 इज रविंद्र नाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ जन गण मन. क्या है जो हमारा नेशनल एंथम है उसके लिखने वाले कौन, रचयिता कौन है? रविंद्र नाथ टैगोर. ए है वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जन गण मन, डी ये देश है वीर जवानों का. राइट आंसर इज सी जन गण मन. जो है जो हमारा नेशनल एंथम है वो क्या है, इसके राइटर कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर. नंबर 1 इज रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ जन गण मन. इट्स इंडेक्स लेटर इज सी, सो वी राइट हियर सी. किसने लिखा है इसको, जिसके लिखने वाले कौन है, रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. जो हमारा नेशनल एंथम है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है. तो राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर और नेशनल एंथम है जन गण मन. नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ डैश पोएट. ए बंगाली, बी बिहारी, सी हिंदी, डी कन्नड. अवर राइट आंसर इज बंगाली. 2 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोएट. इट्स इंडेक्स लेटर इज बंगाली ए, सो वी राइट इन द बॉक्स ए. 3 नंबर टैगोर यूज्ड डैश फॉर हिज फर्स्ट पोएम्स. क्या यूज करते थे उनका पेन नेम फॉर हिज फर्स्ट पोएम में क्या लिखते, अपना पेन नेम यूज करा उन्होंने. ए है पेट नेम, बी रियल नेम, सी फोक नेम एंड डी पेन नेम. अवर राइट आंसर इज पेन नेम. टैगोर यूज्ड पेन नेम फॉर हिज फर्स्ट पोएम्स. तो ये क्या है इसका जो इंडेक्स लेटर डी है, सो वी राइट हियर डी. 4 नंबर टैगोर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम, जो पोएम का जो उनका कलेक्शन था पहला, वॉज पब्लिश्ड इन डैश. 4 नंबर टैगोर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन डैश. ए 1861, बी 1916, सी 1878, डी 1865. वर राइट आंसर इज 1878. टैगोर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन 1878. इट्स इंडेक्स लेटर इज सी, सो वी राइट हियर सी. नंबर 5 रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन डैश. ए 1913, बी 1861, सी 1865 एंड डी 1916. वो राइट आंसर इज 1861. 5 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन 1861. इट्स इंडेक्स लेटर इज बी, सो वी राइट हियर बी. नंबर 2 रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली. हमें जो टेक्स्ट दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. उनके आंसर लिखना है जो नीचे दिए गए हैं. 2 नंबर है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कोलकाता, जिसे हम कलकत्ता बोलते हैं, इन 1860
वन. ही इज द पोएट हु रोट इंडियाज नेशनल एंथम एंड ही वॉन अ नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old. 8 साल के थे तब से क्या है पोएट्री लिखने लग गए थे. एंड इन 1913 Tagore started to write poetry when he was only 8 years old. And he published his first poems when he was only 16. For his first poems, Tagore did not use his real name. He used a pen name. His pen name in English meant Sun Lion. Question number one. What won Rabindranath Tagore a Nobel Prize? Rabindranath Tagore's contribution in literature won him a Nobel Prize. Rabindranath Tagore's contribution in literature won him a Nobel Prize. 2. How can you say that Rabindranath Tagore was a born poet? We can say that Rabindranath Tagore was a born poet because he started, जब उन्होंने कितना शुरू किया था, he started to write poetry. He started to write poetry at the age of 8. 8 साल के थे जब से उन्होंने पोएम लिखना शुरू किया था. और एंड पब्लिश्ड कब हुए, his first poems when he was only 16. So we can say that Rabindranath Tagore was a born poet because he started to write poetry at the age of 8 and published his first poems when he was only 16. What is a pen name? Pen name kya hai? A pen name is a name used by a writer instead jagah writer ke jo naam ki jagah use kiya jata hai instead of his real name. जो real name की जगह use किया जाता है उसे बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, pen name. Question 3 is what is a pen name? A pen name is a name used by a writer instead of his real name. Question 3, put a tick mark right in the box against the following statement. If they are true, जो true है उसमें right का निशान लगाना है, and a cross mark if they are false, जहाँ wrong है statement वहाँ में cross का निशान लगाना है. Number 1 is Tagore did not use his real name for his first poems. Number 1 is Tagore did not use his real name for his first poems. This statement is wrong, so we write here, we put here wrong mark. Number 2, for writing India's national anthem, Rabindranath Tagore got the Nobel Prize. 2. For writing India's national anthem, Rabindranath Tagore got the Nobel Prize. This statement is wrong, so we write here, we put here wrong mark. Number 3, Tagore was born in West Bengal.
नंबर थ्री, टैगोर वॉज बॉर्न, कहाँ पैदा हुए थे? इन वेस्ट बंगाल. दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट पुट हियर राइट मार्क. फोन नंबर, टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री व्हेन ही वॉज 16. टैगोर ने कहे 8 साल की उम्र से शुरू किया था, यहाँ 16 में पब्लिश होती थी उनकी जो पोएट्री होती थी. टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री व्हेन ही वॉज 16. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर रॉन्ग मार्क. नंबर फाइव, टैगोर वॉज अ नोबल प्राइज विनर. फाइव नंबर, टैगोर वॉज अ नोबल प्राइज विनर. दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो पुट हियर राइट मार्क. नंबर सिक्स, रविंद्रनाथ पेन नेम वॉज सन लायन. नंबर सिक्स, रविंद्रनाथ पेन नेम वॉज सन लायन. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो यू पुट हियर रॉन्ग मार्क. नंबर सिक्स, रविंद्रनाथ पेन नेम वॉज सन लायन. दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर राइट पुट हियर राइट मार्क. नंबर सिक्स, रविंद्रनाथ पेन नेम वॉज सन लायन. राइट. नाउ एक्टिविटी टू, वेयर द माइंड इज विथाउट फियर. जहाँ क्या है, जो दिमाग है क्या है, डर के बगैर है. वेयर द माइंड इज विथाउट फियर, ये भी क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है. नंबर वन इज रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम. हमें क्या है, स्टैंजास जो दिए गए हैं उन्हें रीड करना है और आंसर लिखना है क्वेश्चन के जो नीचे दिए गए हैं. नंबर वन, रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम. नंबर वन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, फेयर नॉलेज इज फ्री. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन, द वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of the truth. यहाँ बताए गए हैं कि जहाँ होता है मन, जब मन अपना भय रहित हो, जहाँ डर नहीं लगता है और हमेशा सर ऊंचा रखा जाता है, जहाँ ज्ञान मुक्त है और जहाँ जो संकीर्ण घरेलू जो दीवारों से क्या है, दुनिया को टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है और जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हैं. तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट from the depth of the truth. Now number one questions, what does the poet mean by the words the head is held high? The words the head is held high means that people can live with self respect or proudly. The words the head is held high means
the people can live with self-respect or proudly. Number two, the words where knowledge is free conveys बताना है. The words where knowledge is free क्या conveys करता है. Knowledge is not banned or restricted. ये लिखा है क्या है. The words where knowledge is free conveys क्या करता है. Knowledge is not banned or restricted. Question number 3. By the words narrow domestic walls, the poet believes. Number 3. By the words narrow domestic walls, the poet believes. तो क्या इसका आंसर लिखेंगे. जो है prejudices and superstitions that do not allow man to think broadly. By the words narrow domestic walls, the poet believes prejudices and superstitions that do not allow man to think broadly. जो दूसरी है स्टांजास हम रीड करेंगे इसको. नंबर 2 है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake. जहाँ क्या है धारा की जो है कारण के स्पष्ट जो धारा है मृत आदत की जो सुनसान रेगिस्तान की रेत में अपना रास्ता नहीं खोई है. जहाँ आपके द्वारा जो है मन को क्या है सदैव विस्तृत विचार और क्रिया में हमें आगे बढ़ाया जाता है. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. जहाँ कारण की स्पष्ट धारा जो होती है जो मृत आदत की सुनसान जो रेगिस्तान होता है उसकी रेत में अपना रास्ता नहीं खोई है. Where the mind is led forward by into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father let my country awake. तो क्या बताया है जहाँ आपके द्वारा जो है मन को हमेशा सदैव विस्तृत विचार और क्रिया में आगे बढ़ाया जाता है और स्वतंत्रता के जो उस स्वर्ग में क्या है मेरे पिता और मेरे देश को जगाने दो. अब हमें क्वेश्चन आंसर्स पे आने का आना है. नंबर 1 इज व्हाट डू द वर्ड्स क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन सजेस्ट. नंबर 1 व्हाट डू द वर्ड्स क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन सजेस्ट. द वर्ड्स clear stream of reason suggest that people should have clear of thoughts. The words clear stream of reason suggest that people should have clear of thoughts. Number 2, pick out the line from the stanza which conveys Tagore's only prayer to the supreme ultimate is to lead the nation to an ideal state of heaven.
into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Number 3, the meaning of the word dreary is dash A, interesting, B, saddening, and C, exciting. Right answer is saddening. We write here saddening. The meaning of the word dreary is saddening. Now question 2. Question number 2, match A with B. A word है और B में meaning दिए हैं, मैं answer लिखना है. Number 1, striving. Number 1, striving. We match with D, to labor hard. Striving याने क्या है? To labor hard. Two number is, we write here D. One match with D. Dreary, number dreary, we match with E, cheerless. Three number is domestic, related to family affairs. Domestic, we match with F, related to family affairs. Number four, tireless. We match with A, without rest or sleep. Tireless, without rest or sleep. Five number is desert. We match with B, waterless or isolated area or land. Five number desert, we match with B, a waterless or isolated area or land. Number 6, fragments, we match with C, pieces broken off or detached from a complete portion. Fragments, we match with C, pieces broken off or detached from a complete portion. Now once again, striving, we match with D, to labor hard. Two number dreary, we match with E, cheerless. Three number domestic, we match with F, related to family affairs. Four number tireless, we match with A, without rest or sleep. Five number desert. Five number desert, we match with B, a waterless or isolated area or land. Number 6, fragments. We match with C, pieces broken off or detached from a complete portion. Question number 3, put a tick mark right in the box against the following statements if they are true, and a cross mark if they are false. Number 1, the poet wants that everybody should get knowledge free of cost. Number 1, the poet wants that everybody should get knowledge free of cost. Wrong. 2 number, this poem reveals a feeling of patriotism. This poem reveals a feeling of patriotism. Right. 3 number, this poem is taken from Rabindranath's famous collection, Gitanjali. This poem is taken, कहाँ से ली गई है? जो रविंद्रनाथ का famous collection है, Gitanjali से ली गई है, this poem. So, this statement is right.
Number 4, this poem talks about dead traditions. For number, this poem talks about dead traditions wrong. Number 5, the poet wishes to be awakened to a heaven where the mind can work fearlessly and the spirit can hold its head high. Number 5, the poet wishes to be awakened to a heaven where the mind can work fearlessly and the spirit can hold its head high. This statement is right, so we put here right mark.